नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। राजधानी दिल्ली में आसाराम के समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज। थाने में जबरन घुसने की कोशिश और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में आसाराम के कुछ समर्थकों के खिलाफ राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज की गई है। यौन शोषण के आरोप में जेल की सजा काट रहे आसाराम की रिहाई की मांग कर रहे उनके करीब 3,500 समर्थक रविवार देर रात संसद मार्ग थाने पहुंच गए और वहां खूब उत्पात मचाया। पुलिस के मुताबिक आसाराम के समर्थकों ने उनकी 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और उन पर पथराव भी किया। ऐसे में उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। हाथापाई में 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरी ओर आसाराम के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ जाति की पहले हमला पुलिस की ओर से किया गया, जिस पर उन्हें बचाव में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। भारत सबसे तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि उद्योग धंधों को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार की अनुकूल आर्थिक नीतियों से भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है और इस साल अच्छे मानसून का पूर्वानुमान साकार होने से यह और अधिक तेज गति से वृद्धि दर्ज करेगी। जेटली ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्व भर में छाई सुस्ती के बावजूद भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। शराब कारोबारी विजय माल्या सशर्त भारत लौटने को तैयार। बैंकों का हजारों करोड़ का लोन नहीं चुकाने के मामले में डिफॉल्टर घोषित हो चुके विजय माल्या ने कहा है कि वह भारत आना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी शर्तें रख दी हैं। खबरों के मुताबिक विजय माल्या का कहना है कि उनकी सुरक्षा और आजादी का सरकार को पूरा भरोसा देना होगा। शनिवार को UBL की बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद विजय माल्या ने की। इस बैठक में शामिल हुए निदेशकों के अनुसार माल्या पर बकाया ऋण चुकाने के लिए बैंकों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में माल्या ने कहा है कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को समझौते का नया ऑफर दिया है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के 27 आतंकवादी मारे गए। तुर्की तथा गठबंधन सेनाओं के सीरिया के अलेप्पो शहर में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमले में 27 आतंकवादी मारे गए। यह खबर सरकारी अनादोलो एजेंसी तथा अन्य मीडिया की रिपोर्टों में दी गई है। रविवार को तुर्की की तोपों तथा रॉकेट लॉन्चर और अमेरिकी गठबंधन के देशों के विमानों के अलग अलग हमलों में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी मारे गए। तुर्की की सीमा से सीरिया के भीतर केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर किए गए इन हमलों में 27 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ उनकी तोपों के 2 ठिकाने नष्ट कर दिए गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध की संभावना नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के बयान से नाराज अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कैमरन के साथ अच्छे संबंध कायम होने की संभावना नहीं है। ट्रंप के मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक के बयान के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रिटेन की संसद में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उन्हें मूर्ख करार देने के साथ ही यह भी कह दिया था कि अगर वह ब्रिटेन आते हैं तो वह उनके विरुद्ध ब्रिटेन वासियों को खड़ा कर देंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।